वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब हेलो सानू हेलो गीता हेलो एवरीवान वेरी गुड इवनिंग गीता इज

right <clears> okay <throat> uh uttar pradesh public service commission may lecturer uh, positions k recruitment nikli hai right so 1473 1473 the vacancy is quite huge right hello manisha hello everyone uh, who are logging uh, who are, you know, logging in here so this is another very uh, good news for all of you this is a very small session i'm just going to give you a syllabus mapping kind of stuff सो so, मैं आपको यह बता सकता हूं कि यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है उसका आधे से आधा भी राइट right? आधे से आधा भी अगर आप कर लेंगे तो आप आराम से इसमें क्रैक कर जाएंगे राइट सो नॉट ए बिग डील ऑल ऑफ यू एंड आई हैव फुल कॉन्फिडेंस सभी लोग जो मेरे पास यहां पे हैं जो हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं यहां पे राइट ऑल दो पीपल हु आर हेयर आर यू नो हु अटेंडिंग विद रेगुलरली आई एम डेट श्योर यू कैन ईजिली क्रैक इट

उसके बाद मैं जरूर शुरू करता हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड दिस इज पर्टिकुलरली जनरल तो सारा ही बताऊंगा इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के यूजीसी नेट के साथ साथ इसका क्या लिंक है वो भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूं यस सो ओके यस यस सो बहुत लोगों को लगता है कि इसमें यूपी का डोमिसाइल है या यूपी का नेटिव वाले ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है ऐसा कहीं किसी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ हेलो सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस आर वी रेडी दिस इज नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स बट इकोनॉमिक्स का अलग सा सब्जेक्ट इसके अंदर है असलम जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुलट मी कंप्लीट में एक एक करके बताऊंगा अगर मुझे ऐसा बोलना है तो फिर मैं एक रिकॉर्डिंग डाल देता राइट सो वेट एंड आई विल लेट यू नो नो बी एड नॉट एसेंशियल लेट मी कंप्लीट लेट मी स्टार्ट राइट शेल वी हेलो प्रीति शेलवी स्टार्ट ओके जस्ट वेट एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुल राइट I'm saying, Shashmita, be it not essential. Listen to me very carefully. Have patience, have patience. Guys, है सभी लेक्चरशिप के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं लेक्चरशिप के लिए स्टार्ट आप, आप जाने वाले हैं नेट क्लियर कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ Yes, यस yes, yes, yes. वेट एंड सी ओके सो द information, ओके दिस इज जस्ट अफ फॉर्मेटिंग इज रॉन्ग हेयर एनी वे So I will give you just very simple information. Age limit leakage in tension hai, Age limit ka 21 say You can see this. So just give me a second. Okay. Let me change my PPT. Okay. So yes, we need only the post graduation. बी एड की रिक्वायरमेंट नहीं है नो बी एड नो नेट नो स्लेट एंड नो सेट कुछ भी नहीं चाहिए दे नीड ऑनली द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सो ऑल दोज पीपल हु हैव डन एम एम कॉम एमएससी राइट दे कैन अप्लाई फॉर दिस सो देर इज नो बी एड आई रिपीट देर इज नो बी एड Wait, I will let you know. I will let you know. Listen to me very carefully. If you keep on posting your doubts, I will not be in a position to take all the doubts now. Let me complete. Right? So, what what I'm saying, there is no requirement of there there is no requirement of DED, right? DED to the rules nahi hoga because it is the inter inter, inter, inter college or college level cup lectureship position. Hai. Anyway, so what you need is only the postgraduate degree in the concerned field. Concerned field consa hai wo mein baad my bataunga like if you are applying for. Uh, economics then you need to have master's degree in economics if you are one going for uh, uh, suppose civics then civics Phys uh, physics then you need to have master's in physics uh, commerce you need to have M.Com like that what is the minimum age requirement it is basically 21 years hona maximum ka 40 years ka hona how many post 991 males and females ke liye 482 so total ke 1473 एप्लीकेशन हैज बिगन फ्रॉम टुमारो यस्टरडे है ट्वेंटी सेकंड से शुरू हो चुका है फीस uh, आपको देना है एटीन के तक एंड दिस फीस हैज बी पेड ऑनलाइन और बैंक में जाके भी आप जमा कर सकते हैं लाइक काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज जनवरी डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया जाएगा तो अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन है मैंने नोटिफिकेशन से जितना देखा उतना मैं आपको बता रहा हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए

और क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन सो ऑनलाइन खत्म होने की तारीख है 18 जनवरी 2021 तक अगर इस टाइम तक आपके हाथ में आपकी मास्टर्स डिग्री आ जाती है सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस बट अगर इस टाइम तक आपके पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल सो क्लोजिंग डेट इज एटीन दिस इज द वे हाउ यू कैन अप्लाई सो यूपीएससी यूपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए राइट right? I have also shared the link and uh, then click on all notification basic uh, Shiksha, Vibhag, Uttar Pradesh, Parikshiksha, ja you can apply and then you have to log in and then you have to you know we will have to fill up all your details basic details and application fees. right this is the age limit I just spoke on about so you can see this uh, upper limit uh, is exempted for five years for the candidates belonging to the category. ऑल दो so आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको अपर एज लिमिट के लिए ओके oh, uh, uh, आपको अपनी डिटेल्स फोटोग्राफ सिग्नेचर आधार कार्ड का नंबर ये सब आपको अप्लाई करना है सो पीपल आर से डोमिसाइल की जरूरत है कि नहीं है डोमिसाइल ऑफ यूपी ही अप्लाई कर सकते हैं ऐसा कहीं लिखा नहीं है सो so, जब लिखा नहीं है तो ऑल ऑफ अस कैन अप्लाई फॉर इट सो इवन इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर पर्टिकुलर स्टेट्स बट अगर आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं पेपर इनका जो होगा वो आ, यूपी में ही होगा किसी भी एक स्टेट में किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में सो so, आपके जिस स्टेट में आप रहते हैं मान लीजिए आप अगर झारखंड या वेस्ट बंगाल की तरफ रहते हैं बिहार की तरफ रहते हैं तो आपके आसपास के यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वहां पे ले सकते हैं और जहां पे भी आपको सही लगे अपने दूरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा बट यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर डोमिसाइल रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर नेक्स्ट बीएड की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ थिंकिंग बी एड की जरूरत है नहीं जरूरत है सेकेंड नेट सेट की कोई जरूरत नहीं है एज पर द नोटिफिकेशन राइट सो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी मैंने आपको दिखाई यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए फिफ्टी सिक्स मेल्स आर रिक्वायर्ड एंड वैकेंसी फॉर फीमेल्स इज टेन राइट एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पे लिखे हुए हैं सो नाइंटी एट इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमर्स के लिए भी इलेवन

मैं जरूर बताता हूँ मी कंप्लीट दिस पार्ट लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट मैं उसके बाद सारा डाउट्स लेता हूं हाई स्कूल इज वॉट टेंट नहीं डिस्टेंस पीजी मैटर नहीं करेगा अगर आपका डिस्टेंस आपका जो जहां से आपने किया है दैट इज इफ इट इज रिक्ज तो इट इज फाइन यस इट इज यस सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट क्लास टेंथ में हिस्ट्री में हमने पढ़ा था नेशनल मूवमेंट नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट वो सारा यहाँ पे आ सकता है इंडियन पोलाइटी बेसिकली इंडियन का सिविक्स इंडियन हाउ द लोकसभा राज्यसभा ग्राम पंचायत सारे के सारे टीयर्स इकोनॉमिक इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड अब देखिए जो पर्सन द पर्सन हु विल बी ट्राइंग फ्रॉम फिजिक्स साइड और मैथमेटिक्स साइड उसके पास इतना अपर हैंड नहीं है देखिए आपके पास ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक्स के हैं कॉमर्स के हैं पेपर वन में हमें मोर और लेस यही सब पढ़ना पड़ता है राइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग लॉजिक एंड रीजनिंग होता ही है राइट सो देन यू हैव अ पर्टिकुलर सेगमेंट जहां पे आपको हायर एजुकेशन का पढ़ना होता है सो so वहां पे स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स वाले भी इकोनॉमिक्स वाले भी दोनों ही पढ़ते हैं हाँ पर्टिकुलरली एक यूपी के साथ एक लिंक uh, चाहिए राइट right? उसमें आप थोड़ा सा आई मीन आई थिंक यू हैव टू सी दिस इन दिस केस वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया दिस इज क्लास सिक्स सेवन एट का है ये एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इकोनॉमिक्स वालों के लिए अपर हैंड है यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग दैट इकोनॉमी एंड कल्चर सो यू कैन सी मोर और लेस इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी नेट में आता है सो वी हैव दैट इन्वायरमेंटल पार्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एलजबराटिक में आपका सब कॉडेटिकोम ये सब आ जाता है एलजबरा में आपका आता है बेसिकली बेसिकली थिंग्स लाइक यू हैव मल्टीप्लीकेशन uh, एक्सपोनशियल ये सब आ जाता है ज्योमेट्री में यू हैव द ट्राइंगल सर्कल राइट वो सब चीजें आ गई एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है देन इंटरनेशनल नेशनल इवेंट तो ये तो हमारा करंट अफेयर्स का है तो दोज पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग नेट का सिलेबस सुबह नौ बजे आपकी हमेशा करंट करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं सो आई थिंक मोरलाइज जिन्होंने पेपर वन uh, के लिए तैयारी की है

वट आर द डिफरेंट ओजोन लेयर क्या है सो लाइक यू कैन थिंक ऑफ ऑल क्लास नाइन साइंस आपने पढ़ा है फोर्स मोशन उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं लॉज है बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज दीज आर द मल्टीपरचर्स क्वेश्चन एंड आई नो द कांड ऑफ पीपल यू आर सभी ने बहुत मेहनत करके रखते हो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंच गए हो मास्टर्स नेट की तैयारी कर रहे हो तो मतलब सब कुछ कर लिया दिस इज वॉट आई थिंक राइट

उससे उसका हाफ है ये राइट देखिए देर इज नो वेलफेयर इकोनॉमिक्स आप देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ देर इज नो वेलफेयर इकोनॉमिक्स सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स नहीं है तो वहां से आधा आधा हमारा काम खत्म हुआ गेम थ्योरी नहीं है देखिए सो so, ना वैल्यू ऑफ द गेम निकालना है ना आपको अलग सा कुछ करना है इसमें राइट नैश इम ओलिगो नहीं है यू सी दिस ओ माई गॉड स्टेगल बर्ग मॉडल वो सब कुछ भी नहीं है प्राइस लीडरशिप पॉइंट हमने कितना पढ़ा है

राइट देन यू हैव द मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का पूरा जहां पे आपको कॉन्सेप्टिचर मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड कॉम्पोनेट्स एंड मेथड ऑफ कैल्कुलेटिंगल के ऊपर थ्योरीज जितनी है रैंडम वॉक तो करने की जरूरत नहीं है जोनासिस uh, uh, you know, इसके अलावा फिर आपका आता है मिल्टन uh, फ्रीडम uh,

राइट right. इंडियन के साथ आपको में, Cambridge. Cambridge में चारों आते हैं केन्स रॉबर्टसन वैसे भी मंडे को मैं ये वाला सेशन करने वाला हूँ तो कैम्ब्रिज वाला सारा का सारा इसमें करने वाला हूँ तो मंडे एट ओ क्लॉक प्लीज ज्वाइन मी केन्न अप्रोच में देन यू थ्योरी स्पेकुलेटिव प्रिकॉशनरी ट्रांजेक्ट्री डिमांड ये सारा आएगा इसमें सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक में मनी सप्लाई हाई पावर्ड मनी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ये सारा कुछ है तो आई डोंट थिंक कि इसमें इस, इसमें ऐसा कुछ है जो कि हमें हमने नेट में नहीं पढ़ा राइट ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ रखा है पब्लिक फाइनेंस में देखिए सो एक्सपेंडिचर इफेक्ट पब्लिक डेट्स फाइनेंस कमीशन फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन और फोर्टीन फाइनेंस कमीशन पढ़ लीजिए काफी है इससे ज्यादा नहीं हो सकता इसमें देन यू हैव द इंटरनेशनल ट्रेड अगेन देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इसमें एटलीस्ट ट्रेड थ्योरीज भी नहीं दे रखी दैट वॉज आई वॉज सरप्राइज टू सी दिस ना आपको इसमें हेक्शरो थ्योरी करनी है बिकॉज ट्वेल्थ में वो नहीं आता तो जो भी ट्वेल्थ में आता है ट्वेल्थ तक लेवल का उतना ही है इसमें देखिए। थ्योरी, कहीं भी किसी बोर्ड में स्टेट बोर्ड में हाई ग्रेजुएशन में ट्वेल्थ में कहीं भी, भी नहीं पढ़ाया जाता तो इसलिए वी हैव हैोलिंग थ्योरी फैक्टर इंटेंसिटी फैक्टर रिवर्सल वो सब पूरा का पूरा पहला चंक जो है इंटरनेशनल ट्रेड का हट गया स्टार्टिंग होती right? है आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड से राइट सिंपल है सो बैलेंस ऑफ थ्योरी पेमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आई एम एफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईडीए है डेवलपमेंट एसोसिएशन तो ये पूरा पूरा गेट ट्रेप्स ट्रेम्स वो सब आ जा रहे हैं इसमें इंडियन इकोनॉमी जो हम नेट के लिए पढ़ते हैं उसका ट्वेंटी भी नहीं है

राइट right? कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग नहीं है इसमें राइट अंडरस्टैंड दिस सैम्पलिंग नहीं है इसमें सो डेटा कलेक्शन है सो हाउ यू रिप्रेजेंट देम टेबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरा आता है आपका पाई चार्ट ग्राफिकल हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड अर्थमैटिक मीन हार्मोनिक मीन मैक्सिमम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मीन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज कोफिशेंट सभी के कर लीजिए कोरिलेशन रिग्रेशन भी नहीं है सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग प्लीज गाइस गो फॉर इट दिस इज वेरी इजी Method of sampling index number time series analysis. Time series analysis may kuch nahi. It is just one thing that you have to remember how you find out alpha hat and beta hat, not more than that. Or splicing kar splicing is very important thing. Splicing and shift uh, base shifting. Right. So these are the important things. I believe economic scale is the many both uh, right. Uh, okay, so thereafter, this is what I can say from you. I will like to take any doubt in case you have now. I'm open for your doubts. Sir, uh, uh, any doubts now? Let me know. Okay, now how to read? So many comments are there. Wait, I'm completed with this. Okay, I'm I'm taking it from the app first. Uh, okay, wait, wait, wait. I will take it from the app first. Okay, BE students can apply. Yes, BE students can apply pro provided they have the graduation. Okay, uh, application fees. It is. Uh, I have shown it. Right? Not okay. Application fees, kaya na Just a minute, my It is, I think there is a column where I mentioned it. Okay, I think I I forgot to add that. Anyway, I will I will I will tell you. Just a minute. These students can apply. Okay. 9 10th B student distance, distance PG matter nahi karega, provided if your university is recognized and your degree is recognized. So, other state students can apply. Yes, other students can apply. What is the eligibility criteria? It is the master's in the concerned subject. I am uh, from AP. Uh, Valeru is saying, I am from AP. Please apply. If you want to apply, please apply. Uh, Siddharth, so I can understand. I can understand since I cannot leave defense service before retirement. I understand that. I understand that. <laughs> कैन आई गेट देटिंग टाइम टू ज्वाइन आई थिंक ये यूपी में थोड़ा टाइम तो लगता है सो यू कैन सी दैट राइट एंड सिंस यू आर एक्स आर्मी के लिए एक्स आर्मी के लिए भी देर आर फाइव ईयर्स का पार्ट है देर इज अ गैप राइट देर इज अ अपर इमिट एज लिमिट है वहां पर देन यू कैन चेक इट आउट राइट सर वॉट इज द वैकेंसी फॉर साइकोलॉजी साइकोलॉजी के लिए यू हैव टू सी दिस आई विल जस्ट शो यू

स्केल इज इट इज नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड से लेकर ग्रेड पे फोर्टी एट हंड्रेड लग रहा है तो यूटली गेटिंग समवेर अराउंड सिक्सटी थाउजेंड अराउंड अराउंड इफ द ग्रेड पे इज नाइनटी एट हंड्रेड टू थर्टी एट हंड्रेड थर्टीड सो अप्रोक्सिमेटली इसका यू कैन एड टू पॉइंट फाइव टाइम्स So, it will be around uh, 2.5, around like th 3, so it will be 27, plus 8,000 uh, 8, as uh, joining. Then, it will be minimum, you will be getting somewhere around like uh, 44,000. And depending upon your qualification, it will be around like uh, 56,000. Right. But it is more than this. Don't worry. Right. Any other question here? Okay. Okay. Uh, नेट होल्डर्स की जरूरत नहीं है बी एड की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक इन टू लिंक ओके आई विल बी कम्प्लीटिंग मास्टर्स इन ट्वेंटी एलिजिबल टू अपलाई सर लेक्चर मीन टेन प्लस टू टीचर इंटर कॉलेज राइट सो इट इज

राइट दिस इज वॉट आई से पहले अप्लाई कीजिए गेट गुड स्कोर इन प्रेलिम्स गेट गुड स्कोर इन मास्ट इन इन मेन्स दूर की बात है तो देखो वट आई कैन से अंडरस्टैंड ग्लीज अंडरस्टैंड आई एम वेरी वेरी फ्रेंकली आई एम सेम येट टू रिसीव रीड द कॉमेंट फ्रॉम द यूट्यूब पार्ट बट रिमेंबर वट आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस वैन से अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से मिलती है राइट right? सो so, अगर आपका एम जो है वेट 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 लेट मी कंप्लीट आपका एम जो है अगर नेट क्लियर करना है ऑब्वियसली आप नेट से नहीं हट रहे हो लेकिन उसी रास्ते में उसी के बीच में अगर आपको कोई दूसरी मंजिल मिलती है तो ग्रैब इट आई एम नॉट आप नेट की प्रिपरेशन छोड़ दीजिए नेट की प्रिपरेशन कीजिए बिकॉज इकोनॉमिक्स कॉमर्स का जो नेट का कवरेज है दैट इज मदर ऑफ ऑल द सिलेबस इन इंडिया राइट सो आप पहले इतना कर लीजिए अगर अप्लाई तो कीजिए अपॉर्चुनिटी छोड़ना क्यों चाहिए छोड़िए मत प्लीज ग्रैब इट अप्लाई फॉर इट यू नीड नॉट टू पुट एनी एडिशनल एफर्ट कोई एडिशनल एफर्ट नहीं डालना एक सौ पच्चीस रुपए की बात है तो ऑल ऑफ यू कैन डू इट राइट एनी वे ओके आई एम नाउ रीडिंग द कॉमेंट फ्रॉम यू सेशन यू पार्ट सर आई हैव नॉट कम्प्लीट यूर माई मास्टर्स टिल नाउ बट आई हैव है ऑनर्स डिग्री नो यू कैन नॉट अप्लाई इन केस यू आर एबल टू कंप्लीट योर मास्टर्स बाई एट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूर एलिजिबल सर ये बताए प्री का नंबर एड होगा क्या ओके okay, प्री का नंबर

अगर आपका मेन्स का क्लियर हो गया मेन्स आपका पूरा इकोनॉमिक्स आ रहा है देखिए राइट सो so, मेन्स में आप अच्छा मेहनत कीजिए हो जाएगा दैट्स इज रीजन वाई वी आर हेयर क्यों आया आज इसलिए आया एनी anyway, वे तो जी से अंसारी का मैंने ऑप्शन बता दिया जॉब लोकेशन विल बी एंटायर यूपी आपको यूपी में कहीं भी भेज सकते हैं राइट उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कंप्यूटर के लिए नहीं है क्या कंप्यूटर के लिए नहीं वैकेंसी आई हैव शोन यू राइट दिस आर द वैकेंसी कंप्यूटर्स नो एज ऑफ नॉट नॉट सर ये बताए प्री का नंबर मैंने आपको बता दिया अंसारी जी कंप्यूटर uh, साइंस में भी वैकेंसी नहीं है कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन लेट मी नो सर इंग्लिश लिटरेचर वाले भी कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं और इंग्लिश का हंड्रेड वैकेंसी है नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन ओके ओके वैकेंसी है तो आई थिंक उसकी ओके प्लीज ओके सर जियोलॉजी वाले अप्लाई uh, कर सकते हैं क्या जियोलॉजी का आई थिंक यू हैव टू चेक दैट सो अगर इस केस में ऐसा ऑप्शन आता है मान लीजिए आपको जियोलॉजी में या कंसर्न सब्जेक्ट में तो इस इसके जो पर्टिकुलर पार्ट है वहां पर आप एक बार चेक चेक कर लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एंड सर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं शश्मिता राइट सर कॉमर्स फीमेल ओबीसी में जीरो वैकेंसी है तो अप्लाई करना चाहिए कॉमर्स फीमेल वैकेंसी में कॉमर्स फीमेल ओके इट इज वन सो so, क्या पता वन आप ही का हो डोंट बी पेसिमिस्टिक मिस्टेक डोंट बी पेसिमिस्टिक सर आई एम आई एम इन मास्टर सेकंड ईयर आई हैव गिवन द आंसर एटींथ जनवरी 2021 से पहले अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए देन यू आर एलिजिबल येस देर इज सेपरेट सिलेबस फॉर इंग्लिश आई वट हैव गिवन सिंस आई एम इकोनॉमिक्स पर्सन सो आई हैव ओनली गिवन दैट फॉर इंग्लिश इकोनॉमिक्स ओके okay, तो so आप प्लीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिए वहां पे जैसे द मोमेंट यू विल अप्लाई यू विल अप्लाई तो वहां पे आपको डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन मिल जाएगा यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फोर्ट जो आप नेट में किया है वही इंग्लिश में जी 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 सिलेबस सेम है सर नेट जिनका हो गया उनको उनको ये करना चाहिए कि नहीं डेफिनेटली करना चाहिए आई विल से कि आपके पास तो एक एडिट एडवांटेज है कि आप जाके बोलोगे आई एम आई एम नेट क्वालिफाइड और क्या चाहिए सर प्री का नंबर ऐड नहीं होगा गिवन द आंसर

एम बी ए परसूंग एटीन जनवरी सर मास्टर सेयर स्टूडेंट कैन अप्लाई नो सर प्लीज बताएं पंजाब कैंडिडेट कैन अपलाई इन इंग्लिश पंजाब कैंडिडेट ये वाई नॉट एनी बडी कैन अप्लाई फॉर इफ यू हैव द मास्टर्स ओके 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 आई थिंक आई है केसेज नो एज ऑफ नाउ देर इज नो नेगेटिव मार्किंग वही है गवर्नमेंट जॉब है डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जॉब है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन राइट सो इफ स्टिल इट इज नॉट क्लियर यू कैन डेफिनेटली सी यहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन त्यागराज नेशनल एंडलम उत्तर प्रदेश सो यह हंड्रेड परसेंट सरकारी जॉब है नहीं ये प्राइवेट जॉब नहीं है सरकारी सरकारी नौकरी नहीं इंटरव्यू नहीं होगा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट तो सेक्शन में डाल दूंगा Sir, is this notification eligible for net qualification? Uh, this recruitment is it does not require you to be a net qualified or sled qualified or PhD qualified or BEAT qualified. You just need to complete your masters by 18th of January 2021. Sir Lecture, okay. Any other doubt? I'm done with all the questions. Thank you. GGG. <laughs> नहीं नहीं डेफिनेटली गो फॉर दिस गाइज आई विल टेल यू देखिए इट्स इट इट इज अ वेरी फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी आई एम टेलिंग यू यू गाइज आर दिस कोरोना की वजह से बहुत सारी रिक्रूटमेंट रुकी पड़ी थी नाउ इट इज बी एड जरूरी नहीं है नो बी एड नहीं मैं आई एम गिविंग आंसर अगेन एंड अगेन बी एड जरूरी नहीं है मास्टर्स की ही जरूरत है नेट की जो क्वालिफिकेशन नेट का जो आप पढ़ रहे हो उसी को जाके वहां पे रिप्रोड्यूस करना है और कुछ नहीं राइट टेलीग्राम इट इज देयर ऊपर देखिए सबसे ऊपर मेरी हर स्लाइड में ऊपर लिखा है टेलीग्राम चैनल ये है मेरा सो यू कैन जॉइन मी हेयर फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स और एनी काइंड ऑफ रिलेटेड क्वेरी आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर मुझे यह समझ नहीं आया कोई और इसमें बताइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर व्हाट्स एवर याउट्स आर व्हाट्स एवरी एक्जिस्ट यू वॉन्ट फ्रॉम मी डेफिनेटली लेट मी नो फाइन जी आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड अमन एटीन इस दिन तक इस दिन तक अगर आपका मास्टर्स हो गया तो आपका आप एलिजिबल हो नहीं तो नहीं है राइट सो दैट इज व्हाट आई कैन से मैक्सिमम ओके फाइन थैंक यू गाइस आई आई बिलीव ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर एनी अदर डाउट हेयर मास्टर्स और इक्वल एंड क्वालिफिकेशन सो बी एनर्स डिग्री कैन नॉट अप्लाई राइट बी ए ऑनर्स इज अ बैचलर इन आर्ट्स ऑनर्स डिग्री मास्टर्स और ऑनर्स का कोई लिंक नहीं है देर इज नो ब्रिज इट हाउ हाउ डू टैकल हिंदी पेपर हिंदी पेपर इज समथिंग हिंदी में क्या होगा या तो हिंदी में अनुवाद होगा ट्रांसलेशन होगा राइट या फिर उसमें ऐसे होगा प्रस्ताव होगा भावार्थ ये सब होगा आई बिलीव आई डोंट यू आस्क डॉक्टर नूनिया मैम शी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन बिकॉज शी इज शी हेज डन हर डॉक्टरेट इन इन हिंदी सो दट विल बी हिंदी ऑप्शन कैसे करें आप मैम से पूछिए राइट आई विल नॉट बीन ए गुड पोजिशन टू सेबाउट हिंदी एंड मेरी तरह हिंदी मत पढ़िएगा प्लीज हाँजरिंग मास्टर्स लेट गो फॉर जे आर एफ एंड एंड दिस वन ऑल्सो नेवर एवर लीव पता नहीं फिर बाद में कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं मिलेगा वाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस वन ट्वेंटी फाइव रुपीज इज हार्डली राइक एनिथिंग अप्लाई फॉर इट डेफिनेटली थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच

पीपल हु हैव नॉट क्रैक देयर नेट थोड़ा बुरा लगा उनको मुझे भी बहुत बुरा लगा उनके लिए बट अगली बार अग, इस, इस बार एफ अपना राइट दिस इज वॉट आई हम लोगों ने मेहनत की है करनी है तो अगर जे के साथ साथ सर, अगर सरकारी नौकरी मिल जाए कोई खराबी नहीं है प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर दिस डेफिनेटली और मुझे अप्लाई करके कमेंट सेक्शन में लिखना सर मैंने अप्लाई कर दिया है राइट थैंक यू ब बाय एंड मैरी क्रिसमस ब बाय सी यू शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक इट थैंक यू